नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। योगी सरकार के फरमान के बाद आवारा जानवरों को लेकर अब अधिकारी भी एक्शन में आ गए हैं। प्रशासन तो आवारा गौवंशों को पकड़कर गौशाला तक पहुंचा ही रहा है, इसके अलावा अब ग्रामीण भी आगे आकर आवारा पशुओं को गौशाला तक छोड़ रहे हैं। वही डीएम सीडीओ समेत जिला स्तरीय करीब 50 अन्य अधिकारियों ने अपना एक दिन का वेतन गौ सेवा के लिए कोष में दान किया है। आपको बता दें कि ताजा मामला हरदोई जिले का है, जहां गौशालाओं को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में डीएम ने गौशालाओं को लेकर सभी अधिकारियों से जानकारी हासिल की और विभिन्न निर्देश जारी किए। वही शहर के बाहर बनाई गई गौशाला में नगर से पकड़कर आवारा जानवर छोड़े गए हैं, तो आसपास के ग्रामीण भी खेतों से जानवर लाकर यहां छोड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक गांव की बात की जाए तो शहरी इलाके में ही यह अभियान चल रहा है, जबकि गांव में यह अभियान अभी गति नहीं पकड़ सका है। कल तक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, आज से पशुओं की आमद शुरू हुई है। अब एक साथ लगभग 150 पशु यहाँ के आसपास के जो काश्तकार हैं इन लोगों द्वारा लाए गए हैं, इनकी एंट्री की जा रही है। सीडीओ साहब इनकी भी टैगिंग कराएंगे और इसी के साथ साथ इनका जो इसमें ज़्यादा नर पशु हैं इनका बंध्यकरण कार्य कराया जाएगा। यहाँ कर्मचारी हैं, अभी जब इनके खाने का समय होगा तो इनके लिए भूसे पानी चारे आदि की व्यवस्था कराएंगे। निराश्रित पशु आश्रय स्थल के रूप में जो विकसित करनी है गौशालाएँ, उनको लेके पिछले सप्ताह मेरे द्वारा सभी SDMs BDOs को निर्देशित करा गया था। आज पुनः उसकी एक विस्तृत समीक्षा बैठक करी गई। सभी SDMs और BDOs को ये निर्देशित करा गया था कि वो अपने तहसीलों में, ब्लॉक्स में हैं, स्थलों को चिन्हित कर लें, उनके प्रस्ताव प्राप्त कर लें और उन पर नरेगा से प्रोजेक्ट बना लें। पूरे जनपद में हम लोगों ने 74 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 16 नगरीय क्षेत्रों में इस तरह के स्थल चिन्हित कर लिए हैं। आने वाले संक्रांति के पर्व पे है, एक साथ इन सभी स्थानों पे है नरेगा से कार्य शुरू हो जाएगा। इनमें से कुछ स्थानों पे गौवंश अभी भी लाने का कार्य अभी से ऑलरेडी शुरू करा जा चुका है। साथ ही साथ जनता में जितने भी गौ प्रेमी हैं, हमारे उद्योगपति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी से एक अपील भी करी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इन गौशालाओं को करें हैं। सभी अधिकारियों ने एक पहल करते हुए जिले स्तर पे जो हमने गौवंश रक्षा कोष एक निर्माण करा है उसमें अपने एक दिन के वेतन देने का भी आज निर्णय लिया है। उम्मीद यही है कि अगले सप्ताह हम इन सभी 90 स्थलों पे है न केवल एक साथ नरेगा से काम शुरू करा पाएंगे बल्कि जल्द ही यहाँ पे गौवंश को ला सकेंगे। उनके सभी विभागों के समन्वय से है, उनकी देखभाल भी यहाँ पे हो सकेगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।